बागेश्वर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में 1,18,264 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष 60,076 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 58,188 है। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207, इनमें महिला मतदाता 57 जबकि पुरुष मतदाता 2,150 है। इस चुनाव के लिए कुल मतदेय स्थल 188 हैं और कुल मतदान केंद्र 172 हैं, 15 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और कुल सुरक्षा कार्मिक 1,444 हैं। बागेश्वर उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के कुल 2 प्रकरण आए हैं और दोनों में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव में जब्त की गई धनराशि 1,83,850 रुपये है। जब्त की गई अवैध शराब 3,350 लीटर है, जिनकी कीमत 18,96,000 है। चरस नार्कोटिक्स की जब्ती 3,58,00 ग्राम जिसकी कीमत 3,58,000 है। सिल्वर जब्ती 11,55,00 ग्राम है जिसकी कीमत 7,00,000 रुपये है। कुल जब्ती 31,38,000 है। अवैध शराब और नार्कोटिक्स दर्ज कुल 11 FIR है। निर्वाचन में इस्तेमाल होने वाले कुल वाहनों की संख्या 168 है। इसके अलावा कम्युनिकेशन शैडो एरिया है, 9 पोलिंग बूथ में कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, उधर हम लोग वायरलेस सेटअप कर लिया गया है रिपीटर्स के माध्यम से, उसका हम लोग ड्राई रन भी चेक कर लिया गया है और उसका प्रॉपर व्यवस्था हो चुका है। सो टोटल हम लोग 168 व्हीकल का व्यवस्था किया गया है और माइक्रो ऑब्जर्वर हमने 15 माइक्रो ऑब्जर्वर का लगाया गया है और हमारे पास वल्नरेबल पोलिंग बूथ भी 15 है। सो नंबर ऑफ वल्नरेबल पर्सन जो वोटर्स है 142 लोग का हमने आइडेंटिफाई किया है और जो पर्सन वल्नरेबल काज कर रहा है, ट्रबल मेकर्स है, हमने 29 लोग का आइडेंटिफाई किया है। इनके 29 लोग के खिलाफ हम लोग जितना भी प्रिवेंटिव सेक्शन में कार्रवाई करना था हमने कर चुका है। इसके अलावा हम लोग वोटर असिस्टेंस बूथ सेटअप किया है और हर पोलिंग बूथ में हमने ASD लिस्ट ऑब्सेंटी शिफ्टेड डेड वोटर का लिस्ट सेपरेटली बना रखा है, उसका हमारा BLO उधर उस दिन पोलिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर रहेंगे और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जो मीडिया का मॉनिटरिंग भी होगा, जो कम्युनिकेशन का कोऑर्डिनेशन के लिए और वेबकास्टिंग के लिए भी हम लोग कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के लिए लगा है। इसके अलावा हमारा जो दिव्यांग मतदाता है और 80+ जो बुजुर्ग लोग आएंगे हमारा पोलिंग बूथ में, उनके लिए असिस्टेंस के लिए हम लोग 171 वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई किया है और 21 डोली अरेंज किया है और 7 व्हीकल भी हमने इन लोग का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा टीम के द्वारा अरेंज किया गया है। सी विजिल के माध्यम से हमारे पास 240 शिकायत आए थे, उनमें हमने 240 को डिस्पोजल कर लिया है, इसमें 217 कंप्लेंट सही पाया गया है और इलेक्शन के दिन जो भी लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम या कहीं भी कोई बूथ कैप्चरिंग या कोई इलेक्शन रिलेटेड घटना को तुरंत रिस्पांस करने के लिए हम लोग 9 क्विक रिस्पांस टीम बनाया गया है और एक RO ARO बाकी हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट इन लोग के साथ भी 9 QRT टीम रहेगा। हमारा इंजीनियर्स जो मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए 3 ECIL इंजीनियर हमारे पास है और इसके अतिरिक्त हम लोग जो लाइसेंस्ड आर्म था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमने 822 आर्म्स को डिपॉजिट कर लिया गया है और 158107 रिलेटेड के केस रिपोर्ट आए थे हमारे पास, उसके अगेंस्ट में हम लोग 460 लोग का नोटिस दिया गया है और 221 लोग का बाउंड डाउन किया गया है और NBW नॉन बेलेबल वारंट्स हमारे पास आए थे, उनमें से 19 हमने उसका तामील कराया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा बीच में उपस्थित सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नमस्कार। जैसे कि हम लोग पूर्व में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए थे हमारा तैयारियां किस प्रकार का है। बागेश्वर उपचुनाव के संबंध में
आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग बुलाए थे। हमारा टोटल मतदाता है 1,18,264 मतदाता है। इनमें से 60,076 पुरुष, 58,188 महिला है। और सर्विस मतदाता है 2,207 और पीडब्ल्यूडी मतदाता है 1,356। अभी टोटल पोलिंग बूथ है 188 पोलिंग बूथ, 172 मतदान केंद्र है। वल्नरेबल पोलिंग बूथ 15 है और हमने पूरा निर्वाचन क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टर में सेग्रीगेट किया है। और हम लोग मतदान कार्मिक 834 कार्मिक हमने लगाया है और कुल सुरक्षा कार्मिक 1,444 लगाया है। FST टीम है 6 और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है 10। वरिष्ठ और 80 प्लस वोटर्स के लिए हम लोग 963 लोग का घर टू घर जाके वोटिंग करवाया गया है। इसी प्रकार का दिव्यांग लोग के लिए 50 लोग का हमारे पास आवेदन आए थे, हमने 50 लोग का घर से वोटिंग करवाया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में लोग लगाया है उन लोग के लिए हम लोग 624 लोग का वोटिंग कराया गया है। सो हम लोग एक ऑल वुमन पोलिंग बूथ सेटअप किया है, पोलिंग बूथ नंबर 178। आदर्श पोलिंग बूथ हमने 5 पोलिंग बूथ में सेटअप किया गया है। इसमें पोलिंग बूथ नंबर 9, 10, 143, पोलिंग बूथ नंबर 86 और 88। और कानून व्यवस्था में MCC वायलेशन में 2 FIR दर्ज किया गया है और हम लोग शराब का है जब्ती किया है 3,350 लीटर बल्क लीटर का शराब जब्त किया है। इसका कीमत 18.96 लाख का है। सरस हमने जब्त किया गया हमारा टीम के द्वारा 3.58 kg है, इसका कीमत 3,58,000 है। और इसके अलावा सिल्वर भी 11.5 किलो जब्त किया गया है, इसका लागत 7 लाख है। इसी प्रकार का हमारा कुल जब्ती है 31.38 लाख का है। इसके अलावा धनराशि भी 1,83,850 रुपीज़ का जब्त किया गया है। और अवैध शराब के मामला में 11 FIR दर्ज किया गया है।